नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटो वेंचर हब पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ऐसे SCV के बारे में जो आपके व्यवसाय की दुनिया को बदलने वाला है। फिलहाल मार्केट में दोस्तों जो SCV सेगमेंट है, इस सेगमेंट में महिंद्रा और टाटा दोस्तों मेजर प्लेयर हम लोग कह सकते हैं। इन दोनों का ही जो दोस्तों SCV है वो मार्केट में बिकता है। साथ ही दोस्तों अशोक लेलैंड का दोस्तों एक पोर्शन भी इस सेगमेंट में रह जाता है, जो कि दोस्तों बड़ा दोस्त का नाम में हम लोग जानते हैं। अब दोस्तों आयशर भी इस सेगमेंट में आने वाला है, तो आइए साथ में देखते हैं आयशर की इस नए छोटे व्यावसायिक वाहन को जो आने वाला है मार्केट में कुछ ही दिनों में। इस वाहन में 2 टन तक का बोझ उठाने का क्षमता, साथ ही दोस्तों मॉडर्न सुविधा इस गाड़ी में मिल जाएगा, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जो नया आयशर का ये SCV ट्रक आने वाला है दोस्तों, जल्दी लॉन्च होने वाला है, इस गाड़ी में क्या स्पेसिफिकेशन आ सकता है उसके बारे में दोस्तों हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग इस वीडियो को जल्दी जल्दी देख पाए। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को टाटा S60 प्लस के साथ दोस्तों टाटा इंट्रा V10 ये जो गाड़ी है इसका कंपैरिजन वीडियो देखना है, तो मेरी इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन में लिंक करा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी में क्या स्पेसिफिकेशन आ सकता है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों जो इंजन आ सकता है इस गाड़ी में, वो दोस्तों एक 3 सिलेंडर का डीजल इंजन शायद इस गाड़ी में आ सकता है, जो कि दोस्तों 4 वाल्व 2 लीटर का इंजन हो सकता है, जो कि काम करेगा CRS टेक्नोलॉजी में। ये दोस्तों मेरा अनुमान है, इसी स्पेसिफिकेशन के आसपास जो इंजन है वो इस गाड़ी में आ सकता है। जो मैक्सिमम पावर और जो टॉर्क ये गाड़ी निकाल के दे सकता है दोस्तों, जो पावर रहता है वो दोस्तों 80 हॉर्स पावर के आसपास ये गाड़ी का मैक्सिमम पावर रहेगा, और जो टॉर्क ये गाड़ी का रहेगा दोस्तों वो दोस्तों 220 न्यूटन मीटर से लेकर 240 न्यूटन मीटर के आसपास ही दोस्तों इस गाड़ी का मैक्सिमम टॉर्क रहेगा। ये दोस्तों SCV सेगमेंट में 2 टन या फिर 2.2 टन का जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है। जो क्लच आ सकता है इस गाड़ी में वो दोस्तों सिंगल ड्राइवर वाला, और जो ट्रांसमिशन आ सकता है वो 5 सीट का, जिसमें 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर का सेटअप रहेगा। जो गियरबॉक्स आ सकता है वो दोस्तों सिंगल स्टेप वाले गियरबॉक्स रहेगा। जो मैक्सिमम स्पीड दोस्तों ये गाड़ी अचीव कर सकता है वो 80 किलोमीटर पर आवर का रहेगा, वो दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड स्पीड रहेगा। जो फ्यूल एमिशन नॉर्म्स ये गाड़ी फुलफिल करेगा वो तो दोस्तों BS6 फेस टू वाला ही करेगा, और जो फ्यूल टाइप रहेगा वो तो डीजल ही रहेगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। जो टैंक कैपेसिटी रह सकता है इस गाड़ी में दोस्तों, वो आप लोगों को 60 लीटर से लेकर 70 लीटर का आसपास जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी इस गाड़ी में मिल जाएगा, जो कि दोस्तों डेफिनेटली स्टैंडर्ड है इस SCV सेगमेंट में। आइए अब इस गाड़ी का जो दोस्तों GVW स्पेसिफिकेशन हो सकता है उसके बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। सबसे पहले जो GVW होगा दोस्तों वो 4000 kg यानी 4000 kg का आसपास ही इस गाड़ी का जो GVW है वो रह सकता है, और जो पेलोड आ सकता है वो तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, 2000 kg का पेलोड जो है इस गाड़ी में आएगा, क्योंकि इसी सेगमेंट में ये गाड़ी लॉन्च होने वाला है, तो पेलोड 2 टन ही होगा इस गाड़ी में। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी का व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन का, तो दोस्तों इस गाड़ी में कैबिनेट लोड बॉडी और कैबिनेट चेसिस का तो व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ये मुझे लग रहा है। जो सीटिंग कैपेसिटी होगा वो ऑफिशियली ड्राइवर प्लस 2 का ही होगा, क्योंकि दोस्तों 2 टन सेगमेंट में सभी गाड़ी ड्राइवर प्लस 2 का सीटिंग कैपेसिटी दे रहा है, तो ये भी वही देगा। एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों ये 4x2 का ही रहेगा, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को योद्धा 2.0 या फिर बुलेरो 2.0 में जो आप लोगों को मिलता है 4x2 का एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन वही मिलेगा। जो सस्पेंशन सेटअप आ सकता है दोस्तों इस गाड़ी में उसका बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। तो आयशर का दोस्तों जितने भी दोस्तों गाड़ियां हैं और उनका जो दोस्तों जो पोर्टफोलियो है वो देख के मुझे लग रहा है इस गाड़ी में दोस्तों सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग विद शॉक एब्जॉर्बर सामने मिल जाएगा, और पीछे में दोस्तों वही सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग का जो सेटअप है वो मिल सकता है इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप। अब दोस्तों इस गाड़ी में जो टायर साइज आ सकता है उसके बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में दोस्तों 7.00 R16 14 PR का टायर सेटअप ही आएगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि यही दोस्तों आ रहा है आयशर का पोर्टफोलियो में, और 2 टन में यही देगा आयशर, ये कन्फर्म है। और जहाँ तक बात है दोस्तों इस गाड़ी का जो ओवरऑल डायमेंशन, वो दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है जो दो बड़ा दोस्त है दोस्तों या फिर दोस्तों बुलेरो 2.0 या फिर दोस्तों योद्धा 2.0 इन गाड़ी का जो डायमेंशन है इसी का आसपास इस गाड़ी का डायमेंशन होगा। हालांकि दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है आयशर का दोस्तों जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देख के मुझे लग रहा है ये गाड़ी दोस्तों उनसे थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसका जो रोड प्रेजेंस है दोस्तों आप लोगों को करीब करीब बड़ा दोस्त जैसा लगेगा, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होगा ये गाड़ी मेरा अंदाजा में। जो वारंटी इस गाड़ी में आयशर दे सकता है दोस्तों वो 1 साल का या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर 1 साल में वो वारंटी इस गाड़ी में दोस्तों देगा, और इंजन और गियरबॉक्स में 3 इयर्स या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर का जो वारंटी है वो आयशर देगा इस गाड़ी में। दोस्तों इस गाड़ी का प्राइसिंग और दोस्तों इस गाड़ी का लॉन्च डेट ये सब जानने से पहले अगर आप लोग कुछ भी और पूछना चाहते हैं मुझसे इस गाड़ी के बारे में या फिर कुछ भी विषय में, तो कमेंट जरूर से लीजिएगा दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी इनेबल कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई नया वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप लोग उस वीडियो को जल्द से जल्दी देख पाए। साथ ही दोस्तों अगर आप लोगों को आयशर का एक इलेक्ट्रिक SCV वो भी दोस्तों लॉन्च होने वाला है उसके बारे में अगर आप लोगों को जानना है, तो मेरे इस वीडियो को देखिए जिसका आई बटन लिंक रहेगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया रहेगा। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस गाड़ी का कंपटीशन के बारे में, तो दोस्तों ये डायरेक्टली कम्पीट करेगा जो योद्धा 2.0 या फिर बुलेरो दोस्तों जो 2 टन वाला आता है या फिर दोस्तों हम लोग का बड़ा दोस्त जो गाड़ी आ रहा है वो, इन गाड़ी से दोस्तों ये गाड़ी डायरेक्टली कम्पीट करने वाला है, क्योंकि 2 टन में दोस्तों बुलेरो और जो दोस्तों योद्धा है वो काफ़ी अच्छा गाड़ी है, काफ़ी नाम है इन दोनों गाड़ी का,
लेकिन दोस्तों ये आइशर वाला जो गाड़ी है, ये जो लॉन्च होने वाला है, इसका भी दोस्तों क्योंकि आइशर का ब्रांड का तरफ से आ रहा है, जो कि दोस्तों एक भरोसेमंद ब्रांड है और इसलिए दोस्तों ये ब्रांड प्रूवन ब्रांड है इंडियन मार्केट में। तो इसका गाड़ी अगर दोस्तों इस गाड़ी का अगर ओवरऑल डायमेंशन, इसका पेलोड दोस्तों और इस गाड़ी का ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर अच्छा रहा इन कॉम्पिटिशन से, तो दोस्तों ये गाड़ी जरूर से सक्सेस होने वाला है। यहाँ तक मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये गाड़ी जो बुलेरो है और दोस्तों जो योद्धा है इनको कॉम्पीट कर पाएगा और बीट भी कर पाएगा। अब जो मेन बात आ जाता है, ये गाड़ी कब लॉन्च होने वाला है और किस प्राइसिंग में लॉन्च होने वाला है। सबसे पहले तो ये जो गाड़ी है दोस्तों ऑफिशियली अगले 3 से लेकर 4 महीने में ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगा और आप लोग दोस्तों इस गाड़ी को शोरूम से अगले 6 महीने में खरीद भी पाएंगे, ये मुझे लगता है, क्योंकि ये गाड़ी दोस्तों लॉन्च होने ही वाला है। क्योंकि इस गाड़ी का जितने भी दोस्तों ऑफिशियल पेटेंट्स या फिर जो भी काम होता है वो सब हो चुका है, तो ये गाड़ी अगले 6 महीने में तो लॉन्च होने वाला है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी का प्राइसिंग को लेके, तो मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों ये जो गाड़ी है दोस्तों 10 लाख से लेके 12 लाख का आसपास ही इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइसिंग होगा, क्योंकि इससे अगर ज़्यादा हुआ तो दोस्तों ये गाड़ी कंपटीशन को कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। तो मुझे जहाँ तक लगता है आइशर इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइसिंग है वो 10 से लेकर 12 लाख का आसपास ही रखेगा, उससे ज़्यादा इस गाड़ी का प्राइसिंग नहीं होगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने बिजनेस को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए? तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि हम ऑटो वेंचर हब पे जल्दी लेकर आने वाले हैं पूरी जानकारी इस नए आइशर वाहन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑटो वेंचर हब को जरूर से सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।